848 Evo आज इसकी सर्विस करनी है और हम आपको बताएंगे कि सर्विस में क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या सामान डलता है और किस क्वालिटी का डालना चाहिए सर। तो आज हम Ducati 848 Evo की सर्विस करेंगे। जब गाड़ी की सर्विस करनी तो ग्लव्स भी पहनना जरूरी है, इससे हमारे हाथ गंदे कम होंगे और काम भी अच्छा होगा साफ अच्छी तरीके से। ऑयल चेंज करने से पहले हमें इसका इंजन फ्लश करना पड़ेगा, उसके लिए हम इंजन फ्लश डालेंगे जिससे पूरा इंजन इसका जो डस्ट होती है ना वो सारी फ्लश हो जाएगी, इससे इसके ऑयल जो डालने हैं ना हम उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। गाइस गाड़ी स्टार्ट करते हैं जिससे इंजन फ्लश होगा, जो हमने इंजन शूटर डाला है वो पूरे इंजन में चला जाएगा और इंजन इसका क्लीन हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। ठीक है तो स्टार्ट। जब हम इंजन फ्लश करते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट गाड़ी चालू रहनी चाहिए, इससे क्या पूरा ऑयल उसमें घूम जाता है, जब तक ऑयल नहीं घूमेगा तो गाड़ी का इंजन फ्लश नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम इसका ऑयल निकालेंगे। जब सर्विस करते हैं तो उसका ऑयल फिल्ट्रेशन होता है, तो इसलिए हमने कैनन का ओरिजिनल परफॉर्मेंस के लिए इसके लिए इसका ऑयल फिल्टर मंगाया है, इसे चेंज कर लिया आज हम कैनन फिल्टर, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन, एकदम अच्छी क्वालिटी। ठीक है गाइस, तो ये कैनन का ओरिजिनल फिल्टर है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है गाइस, इसके ऑयल फिल्टर निकाल लिया है, निकाल के और इसका गाइस इसका ऑयल फिल्टर निकालना पड़ेगा और हमने ये नट लगा दिया जिससे कि क्या है इसका नट जिस जगह होना चाहिए उस जगह, वरना नट खो सकता है। ठीक है तो इसका ये ऑयल फिल्टर हमने लूज कर लिया और ये तो हम निकालने वाले हैं। ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, खराब हो चुका है, बिल्कुल डेड खराब, एकदम हर सर्विस पे चेंज कराना चाहिए। क्या सर्विस पे? बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी का ऑयल काफी महंगा आता है
और एक फिल्टर की वजह से महंगा ऑयल और परफॉर्मेंस कम हो जाती है। फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, इससे मतलब नहीं है हर गाड़ी का जिस गाड़ी में ऑयल फिल्टर डलता है, और खासतौर पर सुपर बाइक को मैं तो ऑयल फिल्टर चेंज। एक बात बताओ, जो आप ये KNN का फिल्टर इसमें डाल रहे हो उससे कुछ वो है अंतर फायदा? नहीं, बिल्कुल KNN का जो फिल्टर है उससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि वो KNN का ओरिजिनल फिल्टर जेन्युइन फिल्टर है। अच्छा अच्छा, लोकल नहीं, जेन्युइन फिल्टर, परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट। चेंज करना पड़ेगा उसका कूलेंट, चेंज करने के लिए हमें फ्लश करना पड़ेगा। तो हमें गाइस ये सब खोलनी पड़ेगी इसकी बॉडी। ऐसे का मस्त लुक है ये बाइक का, एकदम डेविल लग रही है। इसका कूलेंट निकालते हैं, इसका कूलेंट फ्लश करना पड़ेगा। उधर देखो, उधर निकल रहा है, देखो अभी नहीं आया। कैसा निकल रहा है? कूलेंट अभी तो इसमें इसको हमने फ्लश किया है डिस्टिल वाटर से, लेकिन उसके बाद हमें एक सादा पानी से जो हमारा फिल्टर वाला पानी होता है उसे हमें क्लीन करना पड़ेगा। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें कूलेंट डालेंगे, कूलेंट को ये काम नहीं करने देगा, क्योंकि इसके जो डिस्टिलेटर होता है उसमें होता है तेजाब, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें सादा पानी, साफ फिल्टर वाला पानी डालना पड़ेगा जिससे ये क्लीन हो जाए। इसका कूलेंट पूरा ड्रेन करने के बाद इसको नट को वापस वहीं कस देंगे, और अच्छे तरीके से ना ओवर, ठीक है। तो कूलेंट बनाने के लिए गाइस कूलेंट बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इसके लिए, तो कूलेंट बना के इसमें हमें फिल्टर पानी मिलाना पड़ेगा। कूलेंट को थोड़ा पतला कर देंगे, क्वांटिटी सही करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब सही हो गया, कूलेंट एकदम परफेक्टली मिक्स हो चुका है। गाइस गाइस यहाँ से भी कूलेंट इसका पूरा कर दिया है, और जो इसमें डब्बा होता है एक्स्ट्रा उससे भी कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमेशा कूलेंट डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, इससे क्या उसको जब तक अंदर तक कूलेंट नहीं जाएगा तो पूरा कूलेंट नहीं होगा, लेकिन हमारा पूरा कूलेंट हो चुका है, ठीक है। तो कूलेंट इसका डन, पूरा हो चुका है। अब ऑयल फिल्टर लगाएं, ऑयल फिल्टर गाइस इसका फिल्टर, ओके अब इंस्टॉल कर रहे हैं इसका फिल्टर, इंस्टॉल कर देते हैं। नंबर का है, क्यों
ओके ये हो चुका है फुल टाइट। ठीक है तो ये इसका जो ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया था लिक्यू मॉली। ठीक है गाइस ये लिक्यू मॉली ऑयल कितना डलता है इसमें? इसका डलेगा 3.7। ठीक है तो चार डब्बे 4 लीटर के। ठीक है ओके तो स्टार्ट करते हैं। केबल वाली नहीं है, हाइड्रो क्लच है। तो इसमें हमेशा जो ऑयल हम यूज़ करते हैं ब्रेक ऑयल या यू भी करना है डॉट फॉर, जो सबसे बेस्ट और बढ़िया ऑयल है सुपर बाइकों में और नॉर्मल बाइकों में यूज़ कर सकते हैं, बजाज पल्सर अपाचे वगैरह इनमें सब में कर सकते हो। ठीक है ये ऑयल परफॉर्मेंस फाइनली रेडी हो चुकी है। इस गाड़ी में हमने ऑयल कूलेंट ब्रेक ऑयल क्लच ऑयल और ये नए लीवर और इसका ऑयल फिल्टर सारी चीज़ें सर्विस में चेंज हुई है। ठीक है गाइस तो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं।